क्योंकि जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो आप उससे पहला नहीं का ज्ञान नहीं हो सकता। तो व्याकरण क्या है? मानो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सीखते हैं। अगर हम केवल बोल पूछ रहे हैं और लिख पूछ रहे हैं तो यह हमारे व्याकरण नहीं कराएगी, अशुद्ध हो जाएगी। इसलिए व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। मान लीजिए बच्चों, मैंने आपको कह दिया कि सीता किताब पढ़ता है, सीता किताब पढ़ता है, तो सीता तो क्या है? सीता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन पढ़ना क्या हो गया? उसकी क्रिया पुल्लिंग में हो रही है, तो ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए इसका सही वाक्य होगा सीता किताब पढ़ती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्याकरण जो है वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। इसलिए व्याकरण में सिखाती है कि कैसे शुद्ध बोला जाता है, कैसे शुद्ध पढ़ा जाता है और कैसे शुद्ध लिखा जाता है। इसलिए बिना व्याकरण के हिंदी का कोई महत्व नहीं होता है। बच्चों व्याकरण के जो है भाग भी होते हैं, व्याकरण के तीन भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण व्याकरण उच्चार, दूसरा होता है शब्द उच्चार और तीसरा होता है वाक्य उच्चार। वर्ण उच्चार जो सबसे छोटी होती है वो पूरी ध्वनि जिसके टुकड़े निकलते हैं सबसे छोटे छोटे ये होते हैं वर्ण और इसमें स्वर व्यंजन है। बच्चों शब्द आपने बोला जैसे वर्ण मलयाली क म ल और जब हम लोग तीनों को मिला लिया तो क म ल का बन गया कमल। ये क्या बन गया? हमारा शब्द बन गया। और उसी शब्द से जैसे कमल रमन खाना खाता है तो ये पूरा क्या हो गया? वाक्य बन गया। तो वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य बनता है। तो इसके तीन भाग होते हैं।